क्या बनाया भाई, कोई एक्सप्लेन करेगा ये? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है फावाद, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे आपके लिए ट्रेलर लाया हूँ, वो है बॉलीवुड की नई आने वाली मूवी 2.0, मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2018। बिग बजट, मैसिव बजट, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट की मूवी है ये। काफ़ी आई थिंक डिलेड हुई है ये मूवी बिकॉज ऑफ द हर्डल्स इन द प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन टू कम्प्लीट द मूवी एंड द ट्रेलर एंड एवरी थिंग। मेन स्टार कास्ट में है रजनीकांत, अभी तक जवान है भाई वो, VFX जिंदाबाद। अक्षय कुमार, yeah, brilliant, I love him always। उनके साथ जो फीमेल अदाकारा हैं इसमें वो हैं एमी जैक्सन। तो आज टीज़र उसका ड्रॉप किया है, तो देखते हैं कि मच डिलेड एंड मच अवेटेड मूवी हमारे लिए क्या लेकर आती है। तो ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना रिएक्शन भी दूंगा और रिव्यू भी करूंगा। दिस इज बियॉन्ड साइंस, इसके लिए हमें कोई सुपर पावर चाहिए। तो क्या करें? चिट्ठी द रोबोट, तो दोस्तों देख लिया आपने ट्रेलर, क्या बनाया भाई, कोई एक्सप्लेन करेगा ये? इस चीज़ के लिए इतना वेट करवाया? ट्रेलर को देख के मैं हंसूं या रोऊं या अपना सर पीटूं, क्या करूं भाई, इतना ख़र्चा क्यों कर दिया इसके ऊपर? 500 करोड़ का बजट, $75 million जस्ट VFX पर। कुछ सोच समझ के कहानी तो बनता बना। VFX पे अगर इतना पैसा लगाना है तो कुछ ढंग की कहानी तो सोचो, तो ढंग के सीन्स तो सोचो यार, ये क्या है ये? मैं रोबोट देख के मैं वैसे ही पागल हो गया था Part 1, लेकिन ये तो उसका आई थिंक Part 2 है और 200 गुना आगे जाके बेवकूफ़ी है इसके अंदर। द मोस्ट स्टूपिड मूवी आई एवर सीन, इतना खर्च कर दिया, समझ में नहीं आता भाई मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। अक्षय कुमार भी जाया हुआ है उसमें, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ जाया हुआ है। मूवी शायद रजनीकांत और अक्षय कुमार की वजह से बिजनेस कर ले 200 300 400 करोड़ जो भी है, मगर इस मूवी को जो भी पसंद करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो छोड़ो यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा शायद। मगर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग द टीज़र। ट्रेलर कब रिलीज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्लीट क्रॉस तो देखने के काबिल मूवी नहीं है। मगर यार सोचो उसको बनाया क्या है इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। VFX ये थोड़े बहुत ठीक होंगे, दे आर वेरी गुड साउथ डायरेक्टर, स्पेशली शंकर, ही इज़ वेरी गुड इन VFX एंड CGI एंड एवरीथिंग। मगर जो स्टूडेंट लाइन लग रही है वो एक तरह से ऐसे लग रहा है कि पब्लिक को बुद्धू बना रहे हो यार। हॉलीवुड की
क्लोजर टू रियलिटी वीएफएक्स देखकर आप ये देखोगे रजनीकांत अब रिटायर हो जाओ आप, वीएफएक्स के जरिए कितनी बार जवान हो गया, जस्ट रिटायर, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, टू मी इज़ नॉट वर्किंग, इट्स कंप्लीट अ जोक। ऑलराइट गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी इफ यू फील बैड अबाउट इट, और मेरे इस रिव्यू से आपको कोई नाराज़गी हुई तो आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मगर मेरे अपने सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है इसमें, मुझे नहीं समझ में आता इन्होंने बनाया क्या है यार, अभी तक मैं सोच रहा हूँ, मैं स्पेशली काम से जल्दी आया हूँ, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी में बनाते हैं, टीज़र रिलीज हुआ है कि मज़ा आएगा, काफ़ी एंटिसिपेटिंग मूवी थी 2018 की, डिसअपॉइंटिंग। धर्म प्रोडक्शन, करण जौहर, देखा नहीं भाई क्या बना रहे हैं, अरे यार बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो फौज साहब, बस कर दो। बहरहाल आप मुझे बताइए आपको ये टीज़र कैसा लगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आप मेरे रिव्यू से सहमत हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। मूड तो मेरा भी ख़राब हो गया, लेकिन अगले वीडियो तक के लिए प्लीज़ इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें, गुड बाय।